करणगढ़ के राजा अपने बेटे को विलास भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ भोसड़ी का। इस इंसान को आप अच्छे से देख लो, ये आपको जितना सिंपल सा सादा सा भोला सा दिखता है ना, वो उतना है नहीं। इनका नाम आपको पता ही होगा, फिर भी आपको बता दूँ, के मेनन सर। अगर आपने इनकी एक्टिंग देख ली ना, तो आप इनके दीवाने हो जाओगे। हाल ही में इन्होंने स्पेशल ऑप्स, फर्जी जैसी वेब सीरीज में काम किया है। आपको अंदाज़ा आ गया होगा उनसे कि इनकी एक्टिंग कैसी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनकी पहली वाली मूवी देख लूँ और उनका रिव्यू करूँ। तो भाई साहब मैं आपको बता दूँ, बहुत ही मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता, इसलिए आज का ये वीडियो बनाया है। आज के वीडियो में मेनन सर की टॉप 5 मूवी के बारे में आपको बताऊंगा। इस मूवी को आप जरूर चेकआउट करना। एक काम की बता दूँ, ये मत सोचना टॉप लिस्ट बनाया हो तो जो पहले नंबर पर है वो बहुत अच्छी मूवी होगी और जो पाँचवें नंबर पर है वो यू ही होगी। तो नहीं भाई साहब, ऐसी सोचने की बेवकूफ़ी मत करना। वैसे तो इनकी बहुत सारी मूवीज़ है, जैसे कि पेनल्टी, फेमस, सात उचक्के, ऐसी बहुत सारी है, लेकिन उनमें से गिन चुन के 5 मूवी आपके लिए लाया हूँ। इस लिस्ट में कौन सी और मूवी होनी चाहिए थी आपके हिसाब से, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। नंबर 5 पर है द स्टोनमैन मर्डर। सोचो, सड़क पर सोए हुए के सिर पर बड़ा सा पत्थर डालकर उसे ख़त्म किया जाता है और ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है। फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए आते हो आप, जी हाँ आप, सोचने में क्या जाता है, लेकिन अनऑफिशियली। फटके हाथ में तब आ जाती है जब आप खुद ही उस केस में फंस जाते हो। खुद को बेकसूर और असली मुजरिम को कैसे ढूंढोगे नहीं पता, तो फिर केस से बचने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ी। नंबर 4 पर है गुलाल। इस मूवी के बारे में मैं आपको क्या ही बोलूं, इस मूवी को आपने पहले ही देखा होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। गुलाल मूवी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आप ही मुझे इस मूवी के बारे में कमेंट में जरूर बता देना आपको ये मूवी कैसी लगी। तो नंबर 3 पर है रहस्य। रात को दारू पियो और सो जाओ, सुबह उठने के बाद पता चलता है कि आपको कुछ मालूम ही नहीं रात को क्या हुआ, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब अपने ही बच्चे को किसी ने मार डाला। लेकिन शॉकिंग न्यूज़ यह है कि उस मर्डर केस में आपको ही अरेस्ट किया जाता है। तब अपने हीरो की एंट्री होती है और केस को सॉल्व करते करते इतने सारे सीक्रेट बातें सामने आती है कि हमें देखने में मज़ा आ जाता है। एक टाइम पर तो सबके सब शक के दायरे में आ जाते हैं, लगता है इसने नहीं इसने किया है, इसने नहीं उसने किया है, समझ नहीं आता है, दिमाग मतलब घूम जाता है। असल कातिल तक पहुंचने के लिए बहुत मज़ा आता है, तो इस मूवी को आप जरूर देखना। प्रेजेंस हुई तो रिपोर्ट करो, और अगर दुश्मन मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या सिर्फ रिपोर्ट करूंगा, आपके इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करूंगा। सेकंड नंबर पर आती है द गाजी अटैक। सामने वाला अटैक करने से पहले अटैक नहीं किया तो क्या हो सकता है, इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। इस मूवी को देखने के बाद आपके दिमाग में 2 सवाल आएंगे, अटैक किया तो वार सिचुएशन, नहीं किया तो फिर खुद की जान देनी पड़ेगी। और खुद को बचाना और दुश्मन को हराना अच्छे से इस मूवी में प्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट नंबर पर आती है 2018 में रिलीज हुई थ्रिलर सस्पेंस मूवी ओडका डायरीज। चाहे कुछ भी करो लेकिन इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। 4 लोगों को मरे हुए देखते हो, फिर कुछ दिनों बाद उनको ही जिंदा देखते हो, तो फिर अपनी हालत क्या होगी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो क्या सपना है क्या हकीकत है, ये समझने में और देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये 5 की 5 मूवी आपको अलग एक्सपीरियंस देंगी। आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है और आपको कैसी लगी, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। Nice try.